अमेरिकी सीनेट नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन और ताइवान के बीच जारी तनातनी अभी जारी है। वहीं अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के दौरे और दक्षिण कोरिया की सेना के साथ अमेरिकी फौज की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर उत्तरी कोरिया भड़क गया है। उत्तरी कोरिया ने इसके जवाब में अपनी मिसाइल टेस्टिंग एक्टिविटीज तेज कर दी है। इसी कड़ी में उसने रविवार को अपने पूर्वी समुद्री तट की ओर छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये कदम उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए एक अमेरिकी विमान वाहक पोत के सोल पहुंचने के चलते उठाया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया एशियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक पश्चिमी शहर ताइकोन से दागी गई इस मिसाइल ने उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर समुद्र में गिरने से पहले खुले आसमान में उड़ान भरी। हालांकि दक्षिण कोरियाई सेना ने अभी इस परीक्षण के बारे में कोई मिसाइल का टाइप, खूबियां और मारक क्षमता जैसी डिटेल शेयर नहीं की है। वहीं इस परीक्षण को लेकर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने बयान जारी कर कहा है कि इससे फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन टोक्यो इस मिसाइल प्रक्षेपण के बारे में जानकारी जुटाने में लगा है, साथ ही जहाजों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अगले हफ्ते सोल की यात्रा पर जा रही हैं, जहां उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से बढ़ते खतरे का मुद्दा इन द्विपक्षीय मुलाकातों का मुख्य एजेंडा हो सकता है। हैरिस टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद दक्षिण कोरिया रवाना होगी। यही कारण है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मिसाइल परीक्षण के जरिए अमेरिका को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनसे डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें, उत्तर कोरिया ने इस साल अब तक 30 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, जिसमें 2017 के बाद पहली बार ट्रांसकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की आजमाइश भी शामिल है। ये मिसाइल प्रक्षेपण ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका का परमाणु चालित विमान वाहक पोत यूएसए रोनाल्ड रीगन और उसका लड़ाकू दस्ता संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचा हुआ है।